उत्तराखंड के हल्द्वानी वन भूलपुरा में आगजनी प्रकरण को लेकर कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं हल्द्वानी से सटे उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट जारी कर रुद्रपुर और काशीपुर के साथ ही जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसी के तहत आज उप जिलाधिकारी जसपुर और क्षेत्र अधिकारी काशीपुर के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा दल बल के साथ गाड़ियों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इसी क्रम में क्षेत्र अधिकारी अनुषा बडोला ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में जितने भी इमाम और प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे अमन और शांति को लेकर बात की गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हल्द्वानी में जो भी घटना हुई है उसको लेकर सोशल मीडिया पर कोई भी भड़काऊ टिप्पणी ना करें, जिससे अमन शांति बनी रहे। इस पूरे मामले को लेकर उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि उधम सिंह नगर जिला हल्द्वानी से मिला हुआ है, जिसमें एहतियात बरतने के लिए शासन प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसी किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें जिससे समाज में अशांति उत्पन्न हो। जसपुर से संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे जो जसपुर थाना के SHO हैं, उन्होंने सुबह से ही जितने भी यहाँ पे इमाम हैं, जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, सबसे बातचीत की है। अमन शांति की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली फ्लैंग मार्च भी निकाला गया है। हमारे साथ SDM भी यहाँ पे मौजूद थे। पूरे जो जसपुर थाने की फोर्स थी वो भी मौजूद थी। सब अलर्ट मोड में, अभी तक सब शांति बनी हुई है यहाँ पे। शासन प्रशासन द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के ताकीद की गई है, और लोगों को भी अपील की जा रही है कि वो किसी अफवाह पे भरोसा ना करें और उस पर जो है संयम से काम लें और कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचें जिससे समाज में जो है शांति उत्पन्न हो। और इसीलिए हमने एक एहतियातन एक शहर में जो है कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो एक एहतियात के तौर पर उसका वो डोमिनेंस किया गया और उसमें पुलिस के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। तो जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की कार्रवाई यदि करेगा, जो जसपुर की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, उसके निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।